मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। इस दफ़ा जो मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मैं उर्दू में कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ने ये फरमाइश की थी कि आपकी वीडियो हम शौक़ से देखते हैं, लेकिन हमको जो है ना आपकी ज़ुबान समझ नहीं आती, सिर्फ आपके जो कुछ आप दिखाते हैं उसको सिर्फ जो है ना हम देखते हैं और आपकी बातों को नहीं समझते। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो इसके ये जो अभी जो है ना ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के साथ जो है ना जो सड़क उस तक आई है ना उस पर जो है ना तारकोल का काम हुआ था। और अभी जो है ना आज की नई नई जो अपडेट है ना आप उस सामने देख सकते हैं, अभी कैमरा आपको दिखाएगा, वो सामने जो आप देख रहे हैं ना वहाँ पर जो है ना आज नया नया तारकोल डाला है। और ये सामने जो आपको मशीन दिख रही है बिल्डोज़र, वो जो है ना वो सतह को अमवार कर रही है। और इंशाल्लाह कल तक या परसों तक जो है ना या रात के वक्त ये जो काम करते हैं ना तारकोल का काम जो ये करते हैं तो वो रात के वक्त करते हैं ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो और ये आसानी से जो है ना ये अपना काम कर सके। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी ना उसमें जो है वो मस्जिद को जो गिरा रहे थे, तो अभी हम आपको उस तरफ भी ले चलते हैं और मस्जिद के जो एरिया था ना अभी आपको वो दिखाते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने आपको अपडेट दी थी तो वो आपको जो सामने मशीनरी दिखाई दे रही है वहाँ पर जो है ना मस्जिद थी जिसे गिरा रहे थे। अभी जो है ना तकरीबन उसको जो है ना सब दीवारों को गिरा दिया गया है और अभी आपको सही तरीके से या नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन मस्जिद को जो है ना वहाँ से उसका साफ कर दिया है उसको। ये फ्लाईओवर है और आप नीचे सतह को देख सकते हैं कि उसको भी जो है ना तकरीबन तारकोल के लिए तैयार कर दिया गया है। और मेरे ख़्याल में जो है ना इसको जो है ना ट्रिपिक के लिए जो ईद तक जो है ना कोल दिया जाएगा। पता था वो ये कि आप के लिए मैं जो है ना अभी इस रोज़े के हालत में अभी यहाँ तक आया हूँ, इसीलिए कि मैं आपको यहाँ का जो है ना नया अपडेट दे सकूँ। तो आपको भी चाहिए कि मेरे वीडियो को जो है ना आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे इतना जो है ना मेरे हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए नया नया जगह जाऊंगा और नई नई जगह की आपको दिखाऊंगा। और साथ जो है ना इब्रार भाई खड़े तो उससे पूछते हैं कि उसका जो है ना स्वात मोटरवे और स्वात फ्लाईओवर के मुतालिक क्या ख्याल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये अभी तकरीबन तकमील के मरहले में है। ये अभी एक साइड पे उसका जो तारकोल है ये हो चुका है, दूसरा साइड अभी स्वात की तरफ जो है ना ये अभी उसका सरफेस बना रहा है, अभी ये बन रहा है। तो ये जो है ना इंशाल्लाह एक दो दिन में ये भी तारकोल उस पर डाल दिया जाएगा, एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी एयर ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो हुकूमत का ये पॉलिसी है कि ये ट्रैफिक को तकसीम कर दिया जाए, यानी देर की तरफ यहाँ पुरविजाला के बहुत ज़्यादा है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक तकसीम कर दिया जाए तो रश भी कम होगा और लोगों को सहूलत भी होगी, इसकी वजह से मोटर की वजह से। ओके इब्रार भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अपने ख्याल से जो है ना नवाजा। अभी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था तो यहाँ पर एक नाली सी बनी हुई थी निकासी के लिए, तो अभी उसमें पेप डाल दिए गए हैं और उसको कवर कर दिया गया है। आपसे आज इजाज़त चाहते हैं और जैसा जैसा यहाँ पर न्यू अपडेट आता जाएगा हम आपसे शेयर करते जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखा करें कि जितना मैंने आपको यहां का मालूमात दिया है वो आपके समझ में आ जाए। ओके, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।